जय हिंद। इस क्लास में हम लोग रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से सभी चैप्टर से कुछ बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि छोटे होंगे, ट्रिकी होंगे और माइंड चेक क्वेश्चन होंगे। देखें, स्टार्ट करते हैं। इन ए क्लास राम इज 15th फ्रॉम द टॉप एंड 21st फ्रॉम द बॉटम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, क्वेश्चन कह रहा है राम, एक क्लास में बच्चे हैं जिनमें राम है जो कि 15 नंबर आता है फ्रॉम द टॉप, यानी ऊपर से अगर गिना जाए तो। जैसे कि रोल नंबर वाइज होता है, जैसे कि हमारे आप पढ़ते थे 1 2 3 4 5, क्लास में जो फर्स्ट आया वो 8 पे पिछली क्लास में, और उसके बाद जैसे जैसे मार्क्स आते गए रैंक वाइज, वैसे अगले क्लास में सबका रोल नंबर होता था। तो राम वही लड़का है जिसका रोल नंबर है 15 फ्रॉम द टॉप ऊपर से, एंड 21st फ्रॉम द बॉटम, और 21 नंबर है पीछे से, नीचे से अगर आए तो 21 नंबर है। फोकस कर रहा है केवल राम को, देखिएगा ये है राम, इधर से आ रहे हैं तो ये आ रहे 15 नंबर, इधर से आ रहे हैं तो ये है 21 नंबर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, तो सीधा से निकालेंगे, इधर कितने हैं 14 लड़के हैं और इधर कितने लड़के हैं 20। ये राम को लेके 21 नंबर पे आ रहा है, तो इधर 20, इधर 14, तो 20 प्लस 14 और खुद एक राम है, ये मत छोड़ दीजिएगा, खुद एक राम है प्लस 1, यानी 14 प्लस 20 और खुद एक राम प्लस 1 ऐड कीजिए तो आएगा 35। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम इज 35, ठीक है। इसी तरह सॉल्व करते हैं अगला प्रॉब्लम, ये मिटा देते हैं जब सॉल्व हो गया तो। ए नंबर इज ग्रेटर देन 3, एक अंक है जो 3 से बड़ा है, बट लेस देन 8, लेकिन 8 से छोटा है। ऑल्सो इट इज ग्रेटर देन 6, वो 6 से भी बड़ा है, बट लेस देन 10, लेकिन 10 से छोटा है। इट इज डैश, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए 5 6 7, नॉन ऑफ दीज। तो कभी भी घबराइए मत, आराम से उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए समझने के लिए। ए नंबर इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो अब देखिए ग्रेटर देन 3 यानी अगर वो x नंबर है तो वो ग्रेटर देन 3 यानी 3 से ऊपर है, ठीक है। बट लेस देन 8 यानी 8 इससे बड़ा है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो इट इज ग्रेटर देन 6, इट इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10, बट लेस देन 10, ठीक है। तो अब इसमें पुट करेंगे जो हमारे ऑप्शन है, 5 पुट कीजिए, 5 यहां सफिशियंट हो जा रहा है लेकिन यहां नहीं, ये 5 फॉलो नहीं कर रहा है। 6 पुट कीजिए, 6 इसे फॉलो कर रहा है लेकिन इसे नहीं, यानी 6 भी नहीं। 7 पुट कीजिए, 7 इसे भी फॉलो कर रहा है, 7 इसे भी फॉलो कर रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा 7, यानी 7 3 से छोटा, सॉरी 3 से बड़ा 8 से छोटा, 7 6 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा, यानी हमारा 7 आंसर आ गया। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन ट्रिक ज्यादा दे दिया है, इसीलिए थोड़ा सा लगता है कि भाई कंफ्यूजिंग आ रहा है। और वहां पे जब हम 2 घंटे के वार में रहते हैं ना, जो जीवन का सबसे निर्धारित, जीवन निर्धारित करने वाला समय होता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, इसीलिए छोटे से प्रॉब्लम भी हमें ज्यादा फास्ट लगने लगते हैं। दो शर्त है, दो शर्त अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता ही है। देखिए इफ ए मैन, अगला क्वेश्चन, इफ ए मैन राइड्स 4 किलोमीटर इन साउथ, एक आदमी है जो कि राइड कर रहा है, बाइक चला रहा है या साइकिल चला रहा है, कितना 4 किलोमीटर इन साउथ, साउथ में 4 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड राइट 2 किलोमीटर एंड फाइनल टर्न राइट टू राइट 4 किलोमीटर, विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, यानी उसके जो आवागमन का जो मतलब उसके चलने की प्रक्रिया है, उसके घटनाएं दी हुई हैं और अंत में वो किस दिशा में है वो आपको दिशा बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल सा उपाय बताया था, सबसे पहले आप
डायग्राम बना ले, ग्राफ कर ले एक्स वाई जेड, या फिर डायरेक्शनल कर ले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहाँ पे डायरेक्शनल है क्योंकि वो पूछ रहा है विच डायरेक्शन, ऑप्शन दिया नहीं है तो हमें डायरेक्शन निकालना है। ये वाला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। देखिए हम ये ले लेते हैं उनका ओरिजिन पॉइंट जहां से वो मूव करते हैं। ए मैन राइड्स 4 किलोमीटर इन साउथ, अगर ये ईस्ट, कॉपी पे कभी भी राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट वेस्ट, अप साइड नॉर्थ, डाउन साइड साउथ, ठीक है। राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट, अप साइड नॉर्थ, डाउन साइड साउथ। ए मैन स्टार्ट राइड्स इन साउथ 4 किलोमीटर, ये साउथ है, ये चल रहे हैं 4 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट, अब वो साउथ नीचे की तरफ आया, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। देन ही टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट मुड़ेगा यानी उल्टे हाथ लेगा, तो ये यानी आ जाएगा इस साइड, ठीक है, क्योंकि अगर इधर आएगा तो उसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। लेफ्ट ले लिया एंड राइट 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर चल दिया, ठीक है, 2 किलोमीटर चल दिया। फाइनल टर्न्स राइट टू राइट 4 किलोमीटर, अगर अब इधर जब मुड़ गया है तो उसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, तो अब क्या करें, फाइनल टर्न राइट, अंत में फिर टर्न लेता है राइट, राइट से फाइनल टर्न राइट टू राइट 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओरिजिन से वो किस डायरेक्शन में है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ नहीं, मूव किधर कर रहा है, साउथ। हमारा आंसर क्या होगा, साउथ, ठीक है, नॉर्मल। देखिए इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, मूविंग यानी मूविंग, मूव किस डायरेक्शन कर रहा है, तो साउथ। वही पूछता कि किस डायरेक्शन पे है फ्रॉम द ओरिजिन, तो हम लोग लिखते ये जो डायगोनल आ रहा है तब हम लिख सकते थे साउथ ईस्ट। स्टार्टिंग में उस डायरेक्शन का नाम लिया जाता है जिस तरफ झुकाव ज्यादा हो, साउथ की तरफ ज्यादा झुकाव है तो साउथ ईस्ट, ईस्ट की तरफ ज्यादा झुकाव होता है यानी अगर 45 डिग्री से कम होता विद रिस्पेक्ट टू अपर इससे यानी अप साइड में होता तो हम लोग लिखते ईस्ट साउथ, और वही 45 से डाउन होता ज्यादा डाउन साइड तो हम लिखेंगे साउथ ईस्ट। ये छोटा सा पॉइंट है जहां लड़के मिस्टेक करते हैं, ईस्ट साउथ भी रहेगा ऑप्शन में और साउथ ईस्ट भी रहेगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हमें लिखना है अगर जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा झुकाव हो वो डायरेक्शन को पहले और बाद में उसके सेकेंडरी डायरेक्शन को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मेजर एंड माइनर, इतना तो समझ लो, मेजर माइनर, मेजर मीन ज्यादा, माइनर मीन कम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी में जिस पर टोटली फोकस हो, सेकेंडरी मतलब कि उस पर मे भी हो सकता है, ठीक है। अगला प्रॉब्लम,
हिज फादर इज ब्रदर ऑफ राम्स ग्रैंडफादर। कोई एक्स पर्सन है, उसके पिता ब्रदर है किसके, राम्स ग्रैंडफादर यानी राम के दादा के भाई हैं। राम इज सन ऑफ श्याम, राम श्याम का लड़का है। श्याम इज रिलेटेड टू दैट पर्सन एक्स इज, यानी देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्स कोई पर्सन है जो कि उसके पिता राम के दादाजी के भाई हैं और राम के पिता का नाम है श्याम। राम इज सन ऑफ श्याम यानी राम श्याम का लड़का है। और तो श्याम उस आदमी का क्या लगेगा, श्याम उस आदमी का क्या लगेगा जिसके बारे में इंडिकेट किया जा रहा है। आप सॉल्व करें बताएं, सबको तो याद होगा ये पैटर्न, जिस पैटर्न से हम ब्लड डायग्राम ब्लड रिलेशन सॉल्व करते थे। यहाँ पे दो तरीके का बनेगा, आसानी से बनेगा। देखिए एक्स है एनीबॉडी जिसके फादर है, ठीक है, फादर है ब्रदर ऑफ राम्स ग्रैंडफादर, वो ब्रदर है राम के ग्रैंडफादर के। ये राम के फादर हम ले लिए कैपिटल एफ और उनके ग्रैंडफादर ये ब्रदर है और ये है राम, ठीक है, राम के राम्स ग्रैंडफादर, राम के ग्रैंडफादर के। राम इज सन ऑफ श्याम और जो ये एफ है इनका नाम है श्याम, ठीक है, इनका नाम है श्याम। श्याम इज रिलेटेड टू दैट पर्सन, श्याम इस पर्सन का क्या लगेगा, कजन, श्याम इस पर्सन का क्या लगेगा, कजन या फिर ब्रदर। ऑप्शन में जो भी दिया हो आप देख सकते हैं, लेकिन इसके पिता इसके भाई हैं तो ये नॉर्मली कजन ही लगेगा, ब्रदर नहीं लग सकता, कजन ही लगेगा। तो ऑप्शन में लिखेंगे हम लोग कजन, यहां पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर एप्पल जूस एंड वाटर इज, एंड वाटर इज, ठीक है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन आप रिलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। देखिए एप्पल जूस एंड वाटर, एप्पल है, एप्पल से जूस बनता है, एप्पल का जूस होता है ये, देखते हैं एप्पी और वाटर, उसमें वाटर की मात्रा होती ही है। अब देखते हैं रिप्रेजेंट करने का इसका तरीका, दो सर्कल है जिनको हल्का सा कोरिलेट किया है और फाइनली स्क्वायर में क्लोज कर दिया है, ठीक है। बी है तीन सर्कल है, तीनों को हाफ हाफ थोड़ा थोड़ा एरिया कॉमन किया है। सी है तीनों को कॉमन नहीं किया है। डी है एक फुल्ली अंडर आता है, दूसरा हल्का सा दूसरे से कनेक्ट है लेकिन तीसरे से नहीं। तो अब देखते हैं इनको कोरिलेट करके, एप्पल है, एप्पल का जूस बनता है, ठीक है, एप्पल का सारा का जूस नहीं बनता, कुछ वेस्टेज होते हैं। और वाटर है, वाटर की मात्रा जूस में भी पाई जाती है और एप्पल में भी पाई जाती है, यानी कुछ मात्रा जो एप्पल का नुकसान होता है वो भी अलग है, कुछ मात्रा जो जूस और एप्पल दोनों में आता है वो भी है, और जूस में इन दोनों की मात्रा पाई जाती है वो भी है। तो उसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जैसा कि आप जानते हैं कि हर कुछ सेशन के बाद हम लोग एक क्लास ऐसा लेते हैं कि जिसमें रीजनिंग के लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। जो बंदे नए हो, जो भी स्टूडेंट नए हैं, आप जाएं देखें सारी क्लासेस। सारी क्लासेस थ्योरेटिकल वाइज बेस्ट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। और आप नए हैं, आपके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, लेकिन आप तैयारी करते हैं जोश जुनून से हैं, तो हमें ईमेल करें। डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया हुआ है, हम आपको ईमेल करेंगे बुक पीडीएफ फॉर्म में। वहां से आप स्टडी करें, हार्ड स्टडी करें, पर डे मिनिमम 100 प्रॉब्लम सॉल्व करें। मैं हर स्टूडेंट से ये बात बार बार कहता हूँ, फॉर्म भर के क्वांटिटी में ना आए। वही क्वांटिटी जो फॉर्म भर के एग्जाम देने जाते हैं, ऑटो ऑटो का भाड़ा देते हैं, होटल का भाड़ा देते हैं, आने जाने का, गार्जियन का पैसा बर्बाद करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, भ्रम में अपनी जवानी खत्म। और करेंगे कुछ नहीं, फिर बोलेंगे हम बेरोजगार हैं। हम बेरोजगार नहीं, जिनको जॉब लेना है वो तो जॉब ले ही रहे हैं। Find the minimum Ram moves 4 km per hour in south from 2 hours. राम 2 घंटे से मूव कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किस दिशा में? साउथ की दिशा में। टर्न राइट मतलब दाहिने साइड घूमता है एट टू आवर टर्न्स लेफ्ट 2 घंटे बाद, आफ्टर 2 आवर, सॉरी At 2 hour या after 2 hours turn left, 2 घंटे बाद वो left मुड़ता है। Find the minimum distance from the origin to end point, यानी जहां वो turn मुड़ता है उसके बाद distance नहीं दी हुई है, यानी वो turn मुड़ जाता है वहीं रुक जाता है। ध्यान दीजिएगा, move कर रहा है और वो टर्न ले रहा है राइट में आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे बाद, आफ्टर 2 आवर टर्न लेफ्ट, टर्न राइट आफ्टर 2 आवर टर्न लेफ्ट, जब राइट लेता है उसके 2 घंटे बाद वो लेफ्ट में टर्न ले लेता है। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू एंड पॉइंट, जहां पे टर्न लेता है वहीं रुक जाता है, उसके आगे की मूवमेंट नहीं दी हुई है। क्वेश्चन में यही सबसे ट्रिकी पॉइंट है, जहां वो मूव करता है वहीं ये रुक जाता है। ये गेट में आया क्वेश्चन है, तो वहीं वो रुक जाता है। गेट ग्रेजुएशन के बाद जो इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए होता है, तो उनमें उसमें भी 15 नंबर्स के, 100 में 15 नंबर के, यानी 15% जनरल एप्टीट्यूड आता है। आप देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड कहीं नहीं छोड़ा, जो बंदे साइंटिस्ट बन रहे हैं उनमें भी है। हमने 15% इसकी तैयारी की थी, जो मैंने तैयारी की थी 100 नंबर की, उसमें 15 नंबर केवल रीजनिंग के थे, वो भी हाई लेवल। देखिए यहीं पे पूरा का पूरा साइंस ठोक दिया, यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, डाटा इनसफिशिएंट करके चले जाएंगे, आगे का मूवमेंट नहीं है तो वहीं रोक दो ना। जैसे मैं आया यहीं पे रुक गया, यहां रुक के इधर मुड़ जाऊं, कोई मतलब नहीं होगा।
डिस्प्लेसमेंट देखो ना भाई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है। तो राम मूव्स 4 किलोमीटर, यहां से मान लेते हैं ओरिजिन, ये उनका घर जहां से भाई स्टार्ट किए, 4 किलोमीटर इन साउथ, साउथ जाएंगे ज्यादा नीचे चले जाएंगे, यहां से चलते हैं साउथ, नीचे की डायरेक्शन मैंने बोला था हमेशा ये ईस्ट लेंगे दाहिने साइड, और लतरे यानी उल्टे साइड वेस्ट, अपर साइड साउथ, नॉर्थ, डाउन साइड साउथ, ये चलते हैं 2 घंटे, ठीक है। कितने के स्पीड से? 4 किलोमीटर के स्पीड से। तो 4 किलोमीटर के स्पीड से चलेंगे 2 घंटे, तो कितना आएगा? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर भाई साहब आ गए नीचे। टर्न राइट आफ्टर 2 आवर, टर्न राइट आफ्टर 2 आवर, यहां से राइट लेंगे, नीचे आएंगे वहां से राइट लेंगे। राइट किधर जा रहा है हमारा? इस साइड में जा रहा है, यानी वेस्ट साइड में जा रहा है। टर्न राइट आफ्टर 2 आवर टर्न लेफ्ट, तो 2 घंटे तक चलते हैं। स्पीड कितना है भाई साहब का? 4 किलोमीटर, 4 इक्वल टू 8। देखिए डाटा एकदम आसान आसान नहीं है, लेकिन करना क्या है, डायग्रामेटिकली इसे सॉल्व करना है और यहां नहीं फंसना है। टर्न लेफ्ट के बाद कुछ ज्यादा ढूंढना नहीं है। उसके बाद टर्न लेफ्ट यहां आ जाते हैं, ये रहा, और लेफ्ट टर्न यानी मुंह मोड़ देते हैं भाई साहब इधर, लेकिन कहीं जाते नहीं है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू एंड पॉइंट, यहां से ये है मिनिमम डिस्टेंस, सीधे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो मिनिमम डिस्टेंस ये 8 है, ये 8 है, ये है h, ये है 90 डिग्री, तो सीधा सा h इक्वल टू रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी 64 प्लस 64 इक्वल टू √2 8, यानी 8 √2। 8 √2 निकालेंगे तो 8 × 1.414 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 8 √2, आंसर आ जाएगा किलोमीटर में। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 8 8 4, यानी वही 8 4 को करेंगे तो 4, यानी 11 किलोमीटर के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास केल्सी नहीं है। यह है क्यूब, क्यूब को खोल दिया है, ठीक है, क्यूब ओपन, क्यूब
ये दो प्रॉब्लम है। देखिए फाइंड द ऑपोजिट नंबर फ्रॉम ऑफ फाइव, पांच के ऑपोजिट क्या है या पांच से ऑपोजिट क्या है, ए वन बी सी थ्री सी फोर डी नॉन ऑफ दीज, ये ओपन क्यूब है, इसे क्लोज करेंगे, इसे क्लोज करेंगे, पूछ कर रहा है फाइव, फाइव से तो हम ओरिजिन ले लेंगे फाइव को, यानी फाइव को हम फ्रंट में कर लेंगे, तो साइड में आ जाएगा इसके और ये है क्यूब। आप इसे क्लोज करें, क्लोजिंग डायग्राम बनाएं, फाइव को फ्रंट लेके, फाइव को फ्रंट लेके क्लोजिंग डायग्राम बनाएं। ऑप्शन तो दिख रहे हैं ना, सारे दिख रहे होंगे। देखिए फाइव को फ्रंट में लेके, फाइव को ले लिया फ्रंट में, ड्रॉ करेंगे, साइड में आएगा टू, ठीक है, अपर साइड में आ जाएगा वन, एक ये होगा ऑपोजिट नंबर ऑफ फाइव, यानी साइड में दो नंबर दिए गए हमें, एक और दो, और दूसरा देखते हैं, ये हुआ फाइव, तो नीचे की साइड से देखेंगे तो आएगा तीन, तीन आएगा साइड में और फिर आएगा फोर, ये वाला फोर आ जाएगा हमारे पीछे वाला साइड में, जब आप असेंबल करेंगे इसे तो फाइव के रिस्पेक्ट में, तो हमारा जो अपोजिट इन दोनों में कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, सिक्स, तो इसके अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, सिक्स, क्योंकि हमने इसको दोनों तरफ से मोड़ लिया, या यहां देखिए पांच और एक दो है, और इसको रोटेट कर दिया कि ये दोनों हाइड हो जाए, और जो नंबर इसके पीछे, इसके पीछे ये वाले पे और ये वाले पे छुपे हैं वो दिख जाए, वो दिख जाए, तो उन्हें देखने के लिए हमने इसे रोटेट कर दिया, कितना 180, तब आ रहा है 4 और 3, इसके हिसाब से दिख रहा है, तो जो हिडन में हो रहा है वो रहा है 6, यानी जो बैक साइड एरिया है ये, यहाँ है 6, ऑप्शन ऑप्शन में 6 नहीं है, नॉन ऑफ दिस ऑप्शन नॉन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच नंबर इज नॉट एट द साइड ऑफ टू, कौन सा नंबर है जो दो के साइड में नहीं होगा, यानी वो दो के अपोजिट होगा, तो दो के रिस्पेक्ट में हम डायग्राम सॉरी क्लोज करते हैं क्यूब को, तो देखा जाए दो को लेते हैं तो एक आएगा टॉप पे, इस साइड में आ जाएगा सिक्स, ठीक है, नीचे से देखते हैं दो को लिए टॉप पे, नीचे से और रोटेट कर देंगे तो आएगा थ्री, इस तरफ से आ जाएगा फाइव, ठीक है। देखिए चार नंबर मैंने आपको बताया था कि अगर ये दो है तो चार नंबर आएंगे, अगर साइड में तो एक नंबर जो होगा इसके ऑपोजिट में हो जाएगा, ठीक है, एक नंबर एक ऑपोजिट में हो जाएगा, ये मैंने समझाने के लिए बताया। तो अब इस डायग्राम से आप देखिए कौन से चार है, एक आ गया, दो तो खुद है, तीन आ गया, चार नहीं आया, पांच आया और छह आया, यानी चार बच गया, तो चार इसके चला जाएगा अपोजिट में, जो डायग्राम में साइड में नहीं आएगा, साइड में सिर्फ चार नंबर ही आएंगे, और जो पांचवा है वो उसके अपोजिट फेस में चला जाएगा, तो दो के पांचवे में आ रहा है सिक्स सॉरी फोर, तो फोर कहां चला गया, अपोजिट में, तो हमारा हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए फोर। इसी टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, सेशन थोड़ा लंबा हो जा रहा है, फिर अगले सेशन में मिलेंगे ऐसे ही टॉपिक के साथ, हालांकि अब क्लास पैटर्न वाइज चल रहा है, तो अगले चैप्टर में देखते हैं कौन सा पैटर्न चलता है, नया टॉपिक चलेगा, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जोश जुनून से पढ़ें और हमेशा हार्ड मेहनत करें, केवल फॉर्म भर के काउंटिंग में ना आए, लाखों के भीड़ में जाएं और अपना फ्यूचर बर्बाद करें, गार्जियन का पैसा बर्बाद करें, और अपना जो समय चल रहा है ना गोल्डन टाइम कुछ कर गुजरने का, वो भी आप अपना नुकसान ना करें, मेहनत करें जोश जुनून के साथ करें, फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।